नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया मोदी मंत्र, कहा दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, युद्ध और अर्थव्यवस्था पर भारत का रुख किया साफ। इंडोनेशिया ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन के साथ ही अगले एक साल के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात बताया, अगले साल भारत करेगा G20 की मेजबानी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नई योजना को दी मंजूरी, इस योजना के तहत 18 से 30 वर्षीय डिग्रीधारी शिक्षित भारतीयों को ब्रिटेन में आकर रहने और 2 वर्ष तक काम करने के लिए हर साल 3,000 वीजा प्रदान किए जाएंगे। इस योजना में भारत में रहने और काम करने वाले ब्रिटिश नागरिक भी होंगे शामिल। गुजरात में सियासी ड्रामा, आपने लगाया सूरत, इससे पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला के अपहरण का आरोप, कुछ ही देर बाद नामांकन वापस लेने पहुंचे जरीवाला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना, कहा गन पॉइंट पर वापस कराया गया आप प्रत्याशी कंचन जरीवाला का नामांकन। जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को आतंकवादियों से खतरा, आतंकवादियों की ऑनलाइन धमकी के बाद जान के डर से 5 पत्रकारों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, पुलिस ने FIR दर्ज कर खानापूर्ति की। हवाई यात्रा के दौरान अब मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, सरकार ने कहा कि यात्रियों को मास्क का इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं के स्व सहायता समूह पूरे देश को सशक्त बना रहे हैं, महिलाओं में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचने की शक्ति है, ऐसे में उन्हें मौका देना हमारा कर्तव्य है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को बड़ी सफलता, मिशन मून पर निकला नासा का Artemis 1 रॉकेट ने फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के अनुसार 12:17 पर भरी उड़ान। यूक्रेन ने दागी थी पोलैंड में गिरी मिसाइल, प्रारंभिक जांच के अनुसार पोलैंड में गिरी मिसाइल को यूक्रेन की सेना ने रूस द्वारा दागी गई मिसाइल के जवाब में प्रक्षेपित किया था। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दोपहर के भोजन पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बातचीत की, इस दौरान रक्षा, परमाणु ऊर्जा, व्यापार व खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंजाब में 800 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ नष्ट, अमृतसर में 150 किलोग्राम से अधिक हेरोइन और 11 क्विंटल पोस्ट चूरा नष्ट किया गया। MCD चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप से घिरी आम आदमी पार्टी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर लगाया 35 लाख लेने का आरोप, आप विधायक के खिलाफ दर्ज कराया गया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का होगा नार्कोटेक्स, कोर्ट से मिली दिल्ली पुलिस को इजाजत, बार बार बयान बदल रहा है आरोपी। गायब हुआ आफताब का परिवार, क्या परिवार को पहले से ही पता थे बेटे के खौफनाक इरादे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मंदिरों को लेकर फिर सियासत तेज, राहुल गांधी के दौरे से पहले महाकाल मंदिर में फोटोग्राफी पर रोक लगाने को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के मंदिर वाला केक काटने पर भी सियासी हंगामा। सलकनपुर मंदिर में चोरी करने के मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, कैमरे में कैद चोरों की गाड़ी के सहारे बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस, पुलिस ने घोषित किया 50,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा यूपी ने पिछले 5 वर्षों में परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए किए हैं कई प्रयास। शेयर बाजार में तेजी, 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 108 अंक की बढ़त के साथ 61,981 अंक पर बंद हुआ, NSE का निफ्टी भी 6 अंक की मामूली तेजी के साथ 18,410 अंक पर हुआ बंद। अक्षय कुमार करने जा रहे बायोपिक, रियल लाइफ हीरो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल पर है आधारित, उन्होंने 1989 में कोयला खदान में फंसे माइनर्स को बचाया था। फिल्म गोविंदा नाम मेरा सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी प्रीमियर, विकी कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर है लीड एक्ट्रेस, शशांक खेतान ने फिल्म का किया है निर्देशन। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।